दोस्तों प्रभास की कल्कि मूवी ने तो है वो भाई नेक्स्ट लेवल की हाइप बना के रखी है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर अपडेट्स के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस साल बॉलीवुड की क्या, साउथ की क्या, पूरी की पूरी इंडिया की जो सबसे बड़ी मूवी होने वाली है वो कल्कि होगी। और डे वन के ऊपर जो कल्कि की कलेक्शन आने वाली है वो लगभग लगभग भाई साहब 200 से 250 करोड़ से ऊपर की होने वाली है। ऐसे कुछ सीन्स लग रहे हैं क्योंकि दोस्तों जिस लेवल से एडवांस बुकिंग के ऊपर कल्कि तोड़ रही है, फोड़ रही है ओवरसीज के अंदर, वो कमाल धमाल लग रहा है। अब जो ओरिजिनल अपडेट, जो ऑफिशियल अपडेट है वो कुछ दिन के बाद ही आएगी, कितनी जो एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है ओवरसीज के अंदर। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि हमको जल्द से जल्द यानी कि जून के फर्स्ट वीक के अंदर ही कल्कि मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो काफी बड़े बड़े सिनेमा थिएटर्स के ऊपर जो कि लग जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अब जो है वो मेकर्स ने ठान लिया है कि कल्कि को इतने बड़े लेवल की हाइप को ऊपर लेके जाना है जिसका जो कि तोड़ कोई भी ना हो। अब अगर फर्दर चीज़ों की तरफ बढ़े तो ट्रेलर के बारे में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आती हुई देखने को मिल रही है। ये बोला जा रहा है कि ट्रेलर जो कि 7, 8 या फिर 9 जून के ऊपर आता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि 7, 8 और 9 इन 3 दिनों के अंदर ही जो किसी ना किसी दिन के ऊपर जो कि भाई साहब हमको कल्कि मूवी का ट्रेलर देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाई जब कल्कि के सिर्फ और सिर्फ प्रीलूड का ट्रेलर आया था और इतनी बढ़िया लेवल की हाइप बनी है, तो जब कल्कि मूवी खुद का ट्रेलर आएगा तो किस लेवल का क्रेज बन जाएगा दोस्तों, सोचकर ही जो है वो गूज़बम्स आ रहे हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभास इस मूवी के अंदर नेक्स्ट लेवल की कलेक्शन के साथ साथ जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर तहलका मचा देंगे, रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे और सुनामी लेकर आएंगे। जो पुराने रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, चाहे वो दंगल के हो चाहे वो सुल्तान मूवी के हो, सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ कर देने वाले हैं अब जो कि प्रभास अन्ना। अब दोस्तों प्रभास अन्ना जो कि कल्कि यूनिवर्स के अंदर आएंगे, उसके अलावा यहाँ पर इसी यूनिवर्स और इसी जो कि हाइप के ऊपर एटली कुमार का काफ़ी शानदार रिएक्शन आया है। और एटली कुमार ने ये कहा है कि अब जवान मूवी के रिकॉर्ड्स खतरे में लग रहे हैं क्योंकि इंडिया की सबसे महंगी मूवी जिसको जो कि 600 करोड़ के अंदर बनाया गया है, प्रभास अन्ना की स्टार कास्ट के अंदर, नाग अश्विन की डायरेक्शन के अंदर वो तबाही मचा देगी। दोस्तों ऐसा ही लग रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे टीज़र के अंदर और जो अपडेट्स थोड़ी बहुत आई हैं उनके अंदर, जो सिनेरियो, जो डिटेलिंग, जो VFX, जो भाई साहब एक्टिंग और जिस लेवल का क्रेज, जिस लेवल की एडवांस चीज़ें देखने को मिल रही है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि मूवी फोड़ देने वाली है। आपको क्या लगता है जो कि आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है भाई आज के एनिमेटेड प्रीलूड थिएटर्स के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुंबई, दिल्ली और बहुत बड़े बड़े थिएटर्स के अंदर जो है वो भाई साहब हाउसफुल्स हैं अभी से ही, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि मूवी के वक्त क्या सिनेरियो होने वाला है। प्रभास अन्ना के फैंस अब जाग चुके हैं रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए। आपको क्या लगता है प्रभास अन्ना की कल्कि कितने बड़े रिकॉर्ड्स और कैसी हाइप जनरेट कर सकती है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। वैसे छोटी सी वीडियो थी कल्कि मूवी के बारे में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। और ऐसी ज्यादा वीडियोस के लिए अगर आप कल्कि मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रभास अन्ना की हर एक मूवी या फिर कल्कि मूवी की हर एक अपडेट के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।